हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप शीप और गोट का मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, या मैं कहूं भेड़ और बकरी का मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कौन कौन से वो टॉप 10 देश हैं जहां पे आप टारगेट कर सकते हैं, जहां पे आपको मार्जिन अच्छा मिलेगा, जहां पे आपको बायर भी बहुत इजीली मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं टॉप 10 कंट्रीज की। लेकिन इससे पहले, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए बात करते हैं 10th पोजीशन की। 10th पोजीशन पे है गैम्बिया। दोस्तों, शायद आपने गैम्बिया का नाम इतना ज्यादा नहीं सुना हो, लेकिन गैम्बिया के कुछ खास चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर गैम्बिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा पीनट्स का वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है गैम्बिया पीनट्स का। तो अगर आप पीनट्स में डील करना चाहते हैं, इंपोर्ट कराना चाहते हैं, वैसे तो हमारे इंडिया में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, आपको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर देश की एक अपनी क्वालिटी होती है, हर देश का एक अपना एक प्रोडक्ट होता है जो वहां पे सस्ता मिलता है। जरूरी नहीं है हर प्रोडक्ट हमारे यहाँ ही सस्ता मिलेगा। चलिए बात करते हैं गैम्बिया की। अगर आप शीप और गोट का मीट एक्सपोर्ट करना चाहते तो गैम्बिया आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री है। इसके साथ साथ अगर आप चावल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप गैम्बिया में कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन मिलेंगे। तो जितने राइस ट्रेडर, राइस के जो बिजनेसमैन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो फोकस करिए गैम्बिया पे। और अगर आप रॉ शुगर भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो गैम्बिया एक बहुत ही अच्छा देश है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 9th पोजीशन की, और 9th पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे भी है नेपाल। अगर आप नेपाल में गोट और शीप का मीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो नेपाल को टारगेट कर सकते हैं। यार, खुद सोचिए, पड़ोसी देश है, बाय रोड ही माल चला जाएगा, बहुत आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। नेपाल में अगर गोट और मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आयरन और स्टील और गोल्ड मेटल, ये भी आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने नेपाल के ऊपर भी एक वीडियो डाला हुआ है, तो वहाँ से आप जाके नेपाल के बारे में जान सकते हैं, नेपाल में कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इम्पोर्ट किए जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं 8th पोजीशन। दोस्तों, 8th पोजीशन पे है सीशेल्स। देखिए दोस्तों, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो कंट्रीज के बारे में जानकारी होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सीशेल्स में भी आप गोट और शीप का मीट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फर्नीचर का एक्सपोर्ट कर सकते हैं सीशेल्स में। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर शिप्स और बोट्स में डील करते हैं तो सीशेल आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या आप शिप और बोट्स में डील करते हैं, तो सीशेल में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन है 7th पोजीशन, और 7th पोजीशन पे है बहरीन। बहरीन में गोट्स और शीप मीट तो एक्सपोर्ट होता ही है, इसके अलावा आप क्रूड पेट्रोलियम ऑयल वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप गैस टर्बाइंस भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कार्स और उसकी एक्सेसरीज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो बिना सीखे ना करिएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी नॉलेज लेनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, और अगर आप यहाँ आके सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं फिर भी हर वीडियो में एक बात ज़रूर बोलूँगा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना है तो याद रखिए, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन है हमारी 6th पोजीशन, और 6th पोजीशन पे है मालदीव्स, जहां पे आप शीप और गोट मीट का एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा आप अगर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स या इनमें भी डील करते हैं तो मालदीव्स आपके लिए बहुत ही अच्छी कंट्री है।
चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पोजीशन की। फिफ्थ पोजीशन पे है ओमान, जहाँ पे आप कार्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आयरन ओर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी शीप और गोट मीट तो जाता ही जाता है, ये आप और भी प्रोडक्ट अगर करना चाहें तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन की। नेक्स्ट पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया, जहां पे आप गोट्स और शीप का मीट तो एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं, साथ के साथ राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनियन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ट्रेड मीट का नहीं भी है, तब भी हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको कंट्री वाइज डिटेल्स दी जाए। भाई तो क्या हुआ अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट नहीं है, अदर प्रोडक्ट्स की भी तो जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, इसके बाद बात करते हैं थर्ड पोजीशन की। थर्ड पोजीशन पे है कुवैत, जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप कार्स और व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रक्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुवैत में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो अगर आप बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में डील करते हैं तो आप कुवैत को टारगेट कर सकते हैं। गोट और शीप तो का मीट तो जा ही रहा है, वो करना चाहे, उसका ट्रेड है अगर आपका, तो वो भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोजीशन, चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सेकंड पोजीशन की। सेकंड पोजीशन पे है कतर, जहां पे आप गोट्स और शीप का एक्सपोर्ट तो कर ही सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। एक ही देश के अंदर अगर मैं इतने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं तो कितना फायदा रहेगा। गेस करिए नंबर वन पोजीशन पे कौन है, बताइए। नंबर वन पोजीशन पे है यूएई, जहां पे आप कॉटन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फैब्रिक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फर्नीचर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ के साथ ये मीट, भेड़ और बकरी का मीट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ बने रहिए, आता रहूँगा नए नए वीडियो के साथ, और आपको सारी जानकारी पूरे विश्व की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, ट्रेडिंग की देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।